आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव भदासना पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 22 किलोमीटर तो ब्लॉक से 7 किलोमीटर है। 2100 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान योगेश कुमार ने अपने हाथों में संभाल रखी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान योगेश कुमार और सचिव अजय कुमार के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक मुंडा पांडे के भदासना ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से कोरोना काल में लॉकडाउन को लेकर के यहां लोगों की मदद की गई है और आगे भी क्या कोशिशें इनकी जारी हैं, इस सब के बारे में हम यहां प्रधान जी से जानकारी लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। जैसे कि आपका ये कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है जी, तो अब तक के बीते हुए कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में करवाए हैं? हमने अपने गाँव में टाइल्स लगवाई है, नाली खरेंगे जी, ये सब कराया है। हमने अपने गाँव में जो शौचालय, मेरा एक इससे हट के राजस्व गाँव है हसनगंज, यहाँ पे भी शौचालय स्कूलों में भी काम कराए हैं। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत हमने उसमें जो है मरम्मत का काम और ऊपर जो छत का फर्श प्लास्टर टाइल्स लगवाई है, शौचालय बनवाए हैं, बाउंड्री वॉल कराई है। हमारे जो दूसरे गांव राजस्व गांव हसनगंज में भी जो है स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं थी, वहाँ पर भी बाउंड्री वॉल कराई है। और हमने अपने ग्राम पंचायत में शमशान घाट भी बनवाया है और अभी हमारे भदासना हवाई पट्टी के गेट के सामने एक झील है जो कि 52 बीघे थी, रोड में जाने के बाद में 5-6 बीघे जमीन रोड में चली गई, उसमें भी हमने बहुत बड़ा काम कराया है। उसमें हमने उसका सौंदर्यकरण भी कराया, सौंदर्यकरण कराया है। उसमें जो 7-5 मीटर चारों तरफ रनवे बनवाया है चौड़ा जी। जैसे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, सभी को मिल पाता है इसका लाभ? हाँ, ये सभी को मिल पाता है और उज्ज्वला गैस वगैरह सब पे है और राशन कार्ड भी हमने जो है सब बनवा रखे हैं, सभी के बने। हाँ, सभी के मैंने 176 कार्ड भदासना और 55 कार्ड जो है हसनगंज बनवाए जी। जैसे कि अभी लॉकडाउन रहा था पूरी तरह से कोरोना की वजह से और ये बीमारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, लगातार बढ़ने पर है, तो उस दौरान में आपके गांव में ऐसे परिवार रहे होंगे जिन्हें खाने पीने को लेकर के या किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने आई है, उनके लिए आपका क्या योगदान रहा? हमारे गांव में वैसे ऐसे ज़्यादा परिवार तो नहीं है जो ज़्यादा इस तरह की उस पर हो के महीने एक आध महीने में भी जो उनके बाद दिक्कत आ जाए। बाकी जो है हमारे यहाँ पर राशन कार्ड वगैरह सभी के बने हुए थे और हमने जो है उसमें लॉकडाउन के समय मनरेगा जैसी योजना चला के सभी को रोजगार दिया, जिसके जॉब कार्ड नहीं थे बने हुए उसके नए जॉब कार्ड बनाए और जो है मतलब हर तरह से आपने यहाँ लोगों की मदद की है उस समय में, कोई भी समस्या नहीं आने दी। और बाकी हमने क्या रखा, किसी को कोई दिक्कत है तो वो हम साथ में मिले और हम खुद भी बातचीत करते रहे, मगर जो हमारे गांव में ऐसा कोई भी माहौल नहीं है जो ज़्यादा दिक्कत में लोगों को जी। परिवार यहाँ कितने अभी ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? लमसम मान के चलो कि हमने लगभग 160 नाम दिए हैं सर्वे में, जिसमें मेरा राजस्थान का हसनगंज भी है और जो परिवार अलग हो गए हैं तो अभी इतने जरूरत है ना, तो इतने भी ना थी, अब नई नई शादियाँ अलग अलग रह रहे हैं तो 160 नाम दिए नई सर्वे में हमारे यहाँ के। अब सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा यहाँ पर जैसे बारात घर, पंचायत भवन, ये बने हुए हैं गाँव में? न बारात घर है न पंचायत भवन है, आंगनवाड़ी केंद्र है। असल में क्या बारात घर और पंचायत घर हम ला भी सकते थे, मगर जो है हमारे गांव में जो है जमीन की व्यवस्था, ग्राम समाज की जमीन की व्यवस्था जी। यहाँ जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र आसपास है नहीं? आसपास तो मेरा दूसरा गांव है, वहाँ पे है उप स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं, दवाई मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। और यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र मुंडा पांडे जी। मतलब स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ कोई ऐसी खास समस्या लोगों को आती नहीं है? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सुविधाएं उनको मिल जाती है वक्त पर, 5 मिनट में हॉस्पिटल चले जाती है, कोई दिक्कत ना है बिल्कुल। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे?
हम तो यही मांग करना चाहेंगे कि हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, कुछ काम जो जारी है। किस तरह की समस्या आप महसूस करते हैं गांव में, जो सबसे प्रमुख मतलब आपको लगता है कि विकास होने में, गांव को विकसित होने में सबसे पहले जो है समस्या का समाधान होना चाहिए, सरकार अगर मदद करे तो? ऐसी विशेष कोई समस्या नहीं है जी। हमारा गांव जो रोड से सटा हुआ है, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो वहाँ पर पड़ती है जो रोड से हटा हुआ है। प्रधान जी, कोरोना महामारी को लेकर के और अनलॉक जैसे कि हो चुका है, लोगों में काफ़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन हफ्ते में फिर से जारी कर रखा है, तो अपने ग्रामवासियों को कोई जागरूक अपील आप करना चाहते हैं इसको लेकर के? हम ये अपील करना चाहते हैं कि अपने साथ अपने आस पास जो है साफ सफाई रखें और मास्क जो है हमेशा लगा के रखें और जो है स्वस्थ रखें जी। अब जैसे कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस करीब ही है, लगभग ज़्यादा समय नहीं है, 5 दिन का समय है, तो इसके लिए कोई शुभकामना संदेश अपने ग्रामवासियों को देना चाहिए? हाँ, हमारी सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से और क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है, सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, तालाब का सौंदर्यकरण भी यहाँ पर इनके द्वारा करवाया जा चुका है, इसके अलावा स्कूल में भी काफ़ी सौंदर्यकरण कार्यक्रम के अंतर्गत करवाया गया है, लेकिन समस्याओं की तरफ अगर नज़र करें तो कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी हैं, जैसे कि बारातघर, पंचायत घर जो अभी तक यहाँ इस गांव में निर्मित नहीं है, जिसके लिए ग्राम प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। लगभग 160 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है। अशरफ अली के साथ मनाज हैं दूरदर्शन। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, कहाँ के निवासी हो? महाराष्ट्र। अच्छा, यहाँ पे ग्राम प्रधान जी के विकास कार्यों को लेकर के क्या कहना चाहोगे? विकास कार्य बढ़िया करें हमारे यहाँ के प्रधान जी ने जी, शमशान वगैरह बढ़िया करके बनवाएँ और जी कार्य दिए जी, और उम्मीद करेंगे जी प्रधान जी दोबारा तो गाँव के प्रधान बने। अच्छा, दोबारा प्रधान बने, आप इनके कार्य सहमत हो? बिल्कुल एकदम सहमत है, हम इनके साथ हैं जी और साथ रहेंगे। जी, क्या नाम आपका? कहाँ के निवासी हो? यहाँ 4.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं ग्राम प्रधान जी कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास में बढ़िया काम करा रहे हैं प्रधान जी। अच्छा, किस तरह से? जैसे हर गली में खंजर बिछी हुई है, शमशान भी बढ़िया है जी, जितने भी काम बढ़िया है और जैसे भी काम आ रहे हैं उनका बढ़िया करा रहे हैं, काम बढ़िया। इनके विकास कार्यों से आप सहमत हो? हाँ,